हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। आजकल जहाँ देखो जहाँ लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़े हुए हैं, कोई बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई लाइट कॉइन खरीद रहा है और कोई इथेरियम खरीद रहा है। आखिर ये चीज़ है क्या है और ये लोग इसको कैसे खरीद रहे हैं और इसके पीछे वर्क और कार्य कैसे हो रहा है। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और आज हम बात करेंगे कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है और इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर इनकी ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको पता था कि जब किसी देश की करेंसी नहीं थी तब क्या होता है, वस्तुओं से आदान प्रदान होता था। एक देश दूसरे देश को वस्तु से खरीदता बेचता, कोई भी सामान खरीदता बेचता करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर देश ने अपनी अपनी करेंसी लाई। इंडिया की रुपीज़ आई है, यूएस की डॉलर आई है और यूरोप की यूरो आई है। तो इस तरीके से अपन देखने का हर देश की एक अलग अलग करेंसी है। लेकिन अब ये क्रिप्टो करेंसी किस देश की करेंसी है, ये किसी देश की करेंसी नहीं है। ये क्या बला है, आइए अपन देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब कि ना यह कोई फिजिकल में नहीं है, ना यह नोट है, ना सिक्के हैं, ना प्रिंट के रूप में। अब आप आश्चर्य करेंगे, यह ना नोट के रूप में है, ना सिक्कों के रूप में, ना किसी प्रिंट के रूप में, तो आखिर यह क्या है। यह सिर्फ ओनली ओनली डिजिटल है। मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं कि आप किसी को इसको भौतिक रूप में छू नहीं सकते, आप सिर्फ इसको देख सकते हैं। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करती है और आज के टाइम में खूब चल रही है, लोग उसमें खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह एक तरह की डिजिटल करेंसी आप कह सकते हो। इसके ऊपर आपको ना इसको आप हाथ में ले सकते हो और ना इसको आप छू सकते हो। सेकंड, यह एक स्वतंत्र मुद्रा है, इसका कोई मालिक नहीं है। अब यहाँ पॉइंट नोट करने की बात है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है इसका कोई मालिक नहीं है। जिसने भी क्रिप्टो करेंसी बनाई है, जैसे बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, इथेरियम है, बनाई हो बना के छोड़ दिया एक प्लेटफॉर्म पर, वो रन कर रही हो, लोग खरीद रहे बेच रहे हैं। अब अगर जैसे अपने इंडियन के रुपीज़ है तो इसको RBI कंट्रोल करता है, इसको अपने इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कैसे क्या करना है, कैसे वैल्यू नीचे जा रही, कैसे ऊपर जा रही, कैसे इसको कंट्रोल करना। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसका कोई नहीं है, स्वतंत्र विचरण करने वाली होती है। थर्ड, इसमें देखते हैं, इसके ऊपर किसी देश, राज्य, सरकार या किसी बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। अब देख लो आप, ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी है, न तो किसी देश, न उस देश की सरकार, न उस राज्य की सरकार और न उसका कोई बैंक इसके ऊपर नियंत्रण रख सकता है। ये चाहे जितनी ऊपर जा सकती है, चाहे जितनी नीचे आ सकती है, इसके ऊपर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। आप अगर एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया पेमेंट, तो इसको आपको कोई पता नहीं कि ये किस वक्त ऊपर जाएगी और किस वक्त आपको लॉस दे के जाएगी, किस वक्त आपको बेनिफिट दे के जाएगी। मतलब वी कैन से इट इज़ अनसर्टेनिटी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब जब भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, आपको लगे कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है और वो मनी अगर डूब भी जाए तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आप इसमें आना। अदरवाइज जब आपकी जमा पूंजी और अगर आपकी मेहनत की पूंजी इसमें लगाते हो ना, तो आपको नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना। फोर, अपन देखेंगे यह केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। ये क्रिप्टो करेंसी ओनली ऑनलाइन उपलब्ध है। इसको आप किसी शॉप पे जाके या किसी बैंक में जाके या किसी सरकार के पास में जाके को न तो इसमें किसी के रूप में आती है, आप बैंक में जाके न इसको निकाल सकते हो, न सिर्फ आप इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खरीद बेच सकते हो। ऐसे ऑनलाइन ही मिलेगी और अपने इंडिया में जो ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म एक्सचेंज हैं उनके ऊपर आप खरीद बेच सकते हो। और एक डिजिटल वॉलेट भी मिलता है, उसमें आप रख सकते हो, इसको आप फिजिकल अपने पास नहीं रख सकते हो। फिफ्थ, इसकी कॉपी करना नामुमकिन है, आप ध्यान रखना। जैसे कि अपने इंडियन करेंसी है, इसके ऊपर कितनी बार आपने सुना है कि जाली नोट छप रहे, वहाँ जाली नोट चल रहे, वहाँ चल रहे, ऐसे गवर्नमेंट पकड़ भी करती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है ना, ये कोड के द्वारा जनरेट होती है और इसकी एक एक क्रिप्टो करेंसी एक एक कंप्यूटराइज कोड के द्वारा जनरेट होती है। इसको कॉपी करना, इसकी एक क्रिप्टो करेंसी को सेम टू सेम दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनाना, इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब इतना सिस्टमेटिक, इतना एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम के द्वारा ये बनती है कि इसको आप एक क्रिप्टो करेंसी को सेम टू सेम दूसरी नहीं बना सकते हो, इसको कॉपी नहीं किया जाए, इसको एक मतलब एक फर्जीवाड़े या जालसाजी के रूप में नहीं चला सकते हो। ये है
इसमें आपको एक डिजिटल वॉलेट मिलता है, और परंतु इसको आप जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर खरीदते हैं बेचते करते हो, तो इसको आपको जीमेल वगैरह उससे आपको डिजिटल वॉलेट बनता है, उससे आपको खुलता है और उसमें आप खरीद फोक करते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर वो डिजिटल वॉलेट किसी के द्वारा हैक हो गया तो आप उसको दोबारा खोल नहीं पाओगे। या उसके अगर पासवर्ड भूल गए, 2 या 3 बार अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद भी अगर पासवर्ड भूल गए तो उस पासवर्ड को कोई रिसेट करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो किसी बैंक के द्वारा संचालित होती है, न किसी सरकार के द्वारा, तो आप किसके पास अपने पासवर्ड रिसेट कराओगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अभी 10 एक दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक पर्सन के पास में तकरीबन 15 करोड़ के बिटकॉइन पड़े थे। उसने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे तब वो भूल चुका था, और वो फिर 15 करोड़ हो गए थे। उसने 2 बार अपने वॉलेट के गलत पासवर्ड अटेम्प्ट कर दिया, भूल गया था, और जब 3री बार और करता तो फिर वो पासवर्ड कभी रिसेट नहीं होता था। अब भी उसको पासवर्ड याद नहीं हो रहा, बहुत दुख हो रहा है। अब वो पड़े हैं लेकिन वो न वो खरीद सकता है न बेच सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप उसको सिर्फ देख सकते हो। इसलिए सबसे बड़ा इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर किसी हैकर के द्वारा इसको हैक कर लिया तो आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे। 7, बहुत से देशों में इस पर प्रतिबंध है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर बिटकॉइन में खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन मतलब 30% कंट्रीज अपन कह सकते हैं कि वहां पे अभी वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन 70% कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं वहां पे क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन नहीं है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए आप ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी एक एक मतलब उसको कह सकते हैं एक वैल्यूबल चीज नहीं है, एक ऑथोराइज चीज नहीं है। अगर आप खरीदना है बेचना ही चाहते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर करें। तो अभी आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब अपन आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करती है, आखिर ये डिजिटल के रूप में कैसे लोग उसको खरीदते और बेचते और कैसे लोगों को पता चलता है कि हमारे पास आ गई है। चलो अपन आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम कैसे करती है, लोग इसको खरीद फरोख्त कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे राम श्याम को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से राम श्याम को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। ये एक ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करता है। और ये कैसे काम करता है जैसे अभी मैं बताता हूं। जैसे अब राम श्याम को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है तो राम उसको एक ब्लॉक के रूप में पैसे ट्रांसफर करेगा, एक ब्लॉक के रूप में। फिर यही ब्लॉक यहां उस ब्लॉक है उसमें एड हो जाएगा, या एक नेटवर्क बना हुआ होता है उस नेटवर्क में सभी को एड हो जाएगा राम के द्वारा भेजा हुआ ब्लॉक। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे फिर ये जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं ना उसमें वो वैलिड अप्रूवल होता है कि हाँ राम ने जो पैसा भेजा है, राम ने जो ब्लॉक चेन के माध्यम से जो पैसा भेजा उसको अप्रूव किया जाता है यहाँ पे। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे भी वापस श्याम का एक वॉलेट बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो भी खरीद प्रो करता है तो उसके वॉलेट के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई होती है, तो उसमें ये ब्लॉक ऐड होता है, श्याम के वॉलेट में ऐड हो जाता है। फिर लास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो पैसा है श्याम को रिसीव हो जाता है। तो ये इस ब्लॉक चेन के माध्यम से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर होते हैं ब्लॉक चेन के माध्यम से। मतलब जैसे कोई किसी को ट्रांसफर करना चाहता था, एक ब्लॉक चेन के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं। जो अभी मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे किसके खाते में पेमेंट क्रेडिट होता है। अब आगे अपन देखते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है मोस्टली कितने प्रकार की है, मेजर क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है अपने इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यूएबल और अभी चल रही है। और दूसरा ये देखेंगे कि आखिर इंडिया में जो अप्रूव एक्सचेंज है वो कौन से एक्सचेंज है जहाँ पे भी अगर आपको अगर खरीद फरोख्त करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 5 एक्सचेंज है जो टॉप एक्सचेंज है मैं आपको बताऊंगा, और 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो मैं बताऊंगा जो अभी सबसे ज़्यादा चल रही है। आगे अपन देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि टॉप क्रिप्टो करेंसी कौन सी है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है और सबसे ज़्यादा लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई तो वो थी बिटकॉइन, BTC। अब बिटकॉइन का तो आप नाम सुना ही होगा, सबसे पहले बिटकॉइन आई थी, और बिटकॉइन ही इस क्रिप्टो करेंसी की जनक है। इसको अपन कैसे थे, इसका फाउंडर संतोषी नाका मोतो था,
ये करेंसी 2009 में आई थी। अभी जब ये 2009 में आई थी इसकी वैल्यू कितनी थी आपको पता था? अपने इंडियन करेंसी के 36 पैसे में एक बिटकॉइन आ रहा था उस वक्त 2009 में, और आज इस बिटकॉइन की वैल्यू हो गई आप 27-27 लाख रुपए। यू कैन इमेजिन इट। अगर 2009 में आप अगर एक बिटकॉइन परचेज करते 36 पैसे में, गौर करिए मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको। अब ये ऐसा रिटर्न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही हो सकता है, बाकी ओरिजिनल लाइफ में शायद पॉसिबल नहीं है। 36 पैसे अगर उस वक्त 2009 में आप इन्वेस्ट करते तो आज वो 36 पैसे आपके 27 लाख रुपए हो जाते। अब इसको अपन कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको रिस्की मैटर भी कहा जाता है। सेकंड है इथेरियम, इसके फाउंडर है विटालिक बर्टेन, ये भी 2013 में आई थी। इसकी अभी प्रेजेंट में अगर 1 इथेरियम अगर आप खरीदते हो तो अपना इंडियन रुपीज में आपको 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर आपको खरीद प्रो अगर आपको एक 1 इथेरियम भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको खरीदना है तो उसकी कीमत 20 लाख रुपए होगी। थर्ड है लाइट कॉइन, इसके फाउंडर है चार्ली, ये भी 2011 में आई थी, और इसकी 1 लाइट कॉइन की कीमत अभी अभी प्रेजेंट में 13,000 यानी 13,000 है इन आर। फोर्थ है डॉग कॉइन। अब ये डॉग कॉइन को भी बड़ी विचित्र कहानी है अगर मैं आपको बताऊंगा। डॉग कॉइन आई थी तब इस बिटकॉइन का मजाक बनाने के लिए मजाक मजाक में दोस्तों ने एक डॉग कॉइन बना दिया, और आज डॉग कॉइन बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ने में आ रही है। डॉग कॉइन इतनी चल रही है, इतनी जबरदस्त तेजी आ रही है। अभी एक दो ट्वीट एलन मस्क ने भी इसके बारे में किए थे। इसके फाउंडर है बिली मार्क्स और जेम्स, ये भी 2013 में आई थी डॉग कॉइन। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया में से कौन से एक्सचेंज है जहां पे आप अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो उसके आप कहां पे आप खरीद फरोख्त कर सकते हो। टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके ऊपर अपने केवाईसी अपलोड करके आप वहां खरीद फरोख्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेजिक्स, सेकंड है कॉइन डीसीएक्स, थर्ड है कॉइन स्विच, फोर्थ है जेप पे, और फिफ्थ है योनो कॉइन। आप ये मैंने जो प्लेटफॉर्म बताए टॉप 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके आप कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, इथेरियम है, डोग कॉइन है, कोई सी भी आप खरीद या बेच सकते हो। अब आगे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, वो होगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है और आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा आने वाला वीडियो आप जरूर देखिए, मैं बिटकॉइन के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। और ये अभी का वीडियो, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।